घर की याद जरूर आती है, लेकिन हाँ ये कि चैनल मैं हूं अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। और मुझे देख के और टाइटल पढ़ के आप समझ गए होंगे कि यह है दिवाली व्लॉग। बहुत दिनों बाद, बहुत ज्यादा दिनों बाद। दिवाली का आज है, कल दिवाली है और आज है नरका चौदस। बहुत लोगों ने आज धनतेरस भी की, लेकिन हमने आज जो है वो चौदस की है। हमने धनतेरस कल ही कर ली थी, पूजा एंड ऑल। सो अभी मैं बना रही हूँ एक चीज, और वो है ये गुड़ की पपड़ी। तो अभी मैं तलती जा रही हूँ। मैंने कल ना पूरी बना के यहाँ रख दी थी, तो वो थोड़ी सी उसको हवा लग गई, तो उधर है गुड़ वाली और इधर जो है वो है चरी, यानी कि जो हरी मिर्ची की पपड़ी होती है वो। तो वो मैं तल रही हूँ। और आज मैं पहली बार मैं आज पूरन पुली बनाने वाली हूँ। मतलब पहली बार मतलब नेदरलैंड्स में पहली बार मैं पूरन पुली बनाने वाली हूँ। और हमारे यहाँ ना पूरन पुली के लिए वो एक पूरा वो एक आता है गोल घुमाने का, वो यूज़ करते हैं और उसमें उसे मैश करते हैं। बट यहाँ मेरे पास वो है नहीं, सो आई थॉट कि ठीक है नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही काम चला लेंगे। तो आज मैं उसको यूज़ करूँगी, नॉर्मल हाथ से उसे मैश कर लूँगी। तो अभी कुकर हो रहा है दाल का, तो वो हो जाए फिर पूरन पुली भी बनाएंगे। सो ओवरऑल ये जो व्लॉग है ये आज से लेके दिवाली तक पूरा कल तक चलने वाला है। और अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैं दो पार्ट कर दूँगी, बट मे बी आप पार्ट वन देख रहे हो। और मैं आज साड़ी वाड़ी पहन के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि फेस्टिवल पे थोड़ा तैयार व्यार हो जाओ तो और अच्छा लगता है। पहले मैं सोच रही थी काम नहीं करते बनेगा, फिर मैंने सोचा नहीं कर सकते काम। अदीशा भी उधर नाश्ता कर रही है, वो कर लेगी फिर दिखाऊंगी। आज उसको मैंने इंडो वेस्टर्न कपड़े पहनाए थोड़े से मिक्स मैच करके, तो वो भी बहुत प्यारी लग रही है। तो ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। अदिशी आज बहुत प्यारा ड्रेस पहनी है ना, एकदम मिक्स मैच करके। और अदिशी को मजा आ रहा है दिवाली में? अदिशी को चूड़ा कैसा लगा? अच्छा लगा, छोटा होते जा रहा है क्योंकि मैं बड़ी होती हूं। अरे चूड़ी नहीं, वो जो चूड़ा मिक्सर खाया था वो। सो इधर बन रहा है बाकी का खाना और सब कुछ। और अभी चरखी वाली पपड़ी मैंने नहीं तली है। और यहाँ बन रहे गुजे। हेलो गुजे वाले लोगों, हेलो, हैप्पी दिवाली। आज दिवाली नहीं है, कल है। आज भी दिवाली है। और ये जो है ये मावा है। हमने जो है थोड़ा सा लॉजिक लगाया, थोड़ा सा ज्यादा अपनी अकल दौड़ाई, हमें मावा नहीं मिल रहा था। और हमें मावा के गुजिए स्पेशली बनते ही हम दोनों के घर पे। तो हमने आइडिया लगाया कि हम बाजार से लेके आए मावे की मिठाई, कलाकंद लेके आए और उसे फोड़ के उसमें थोड़ी सी और शक्कर मिला के, किशमिश मिला के, थोड़ी सी और इलायची मिला के, क्योंकि टू बी फ्रेंक थोड़ा सा टेस्ट अलग था उसका, फीका था वो, सब कुछ करके। और अब हम उसे गुजिया में भर रहे हैं और हम गुजिया बनाएंगे। तो अकल लगा के काम जल्दी हो जाता है और अच्छा हो जाता है। और यहाँ मेरा जो है पूरन है वो रेडी हो रहा है। वैसे काफ़ी अच्छा मैच हो गया, इतनी कुछ दिक्कत नहीं गई, बट अभी कलर नहीं आया है वो वाला, तो इसे मैं अभी और होने दे रही हूँ।
भर काम निपट गया, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं। और अभी हो रही है शाम, शाम के अभी 6:15 बजे, और दिशी जो है वो अभी कहीं जा रही है। सो आ चुकी यहाँ पे है सेंट मार्टिन। सो सेंट मार्टिन जो होता है वो मैं, खैर नेदरलैंड वालों को तो पता है लेकिन इजी वर्ड्स में जो लोग इंडिया वाले देख रहे हैं उनके लिए कि इट्स लाइक अ फेस्टिवल, क्योंकि यहाँ पे अब दिन का जो टाइमिंग है वो बढ़ गया है, और घट गया है, और दिन जो है वो छोटे हो गए हैं और रात जो है वो लंबी हो गई, तो अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो ओवरऑल उन्होंने ऐसे किया है कि बच्चे जो होते हैं वो लाइट्स लेके, लैम्प्स लेके घर घर जाते हैं और गाना गाते हैं, बट उसका उद्देश्य है कि सब लोग अपने घरों में लाइट्स जलाएं, तो एक तरह से उजाला और इस टाइप से, तो उसे ये लोग सेंट मार्टिन बोलते हैं। और यहाँ जो है अदिशी रेडी हो गई है, और अदिशी कोई सा गाना गा दो ना सेंट मार्टिन का। कोई सा सेंट मार्टिन, सेंट मार्टिन द गोयन हेवन स्टार, इन द मेशन हैव अ लुक इज दन द यंग एवर सो किस दन दल कुल सेंट मार्टिन आन। अदिशी को तो ये सर्दी हो गई है, और अगर आप सोच रहे हो कि ये बैग क्यों है, तो ये बैग इसलिए ताकि अदिशी इसमें चॉकलेट्स ला सके। सो जब अदिशी चॉकलेट लेके आएगी तब दिखाएगी कि कितनी मिली। ओके हाँ, सारी भर के लाना। और मैंने ये डच में मनाया, ये डच क्लास में अदिशी ने मनाया है। तो अदिशी रेडी हो गई, इसको खुला रहने देगी, आधा खुला रहने दे, पूरा मत कि तो गिर जाएगा। ओके सो मैं अदिशी को उसकी फ्रेंड के यहाँ पे छोड़ने जा रही हूँ पास में ही, और अदिशी जो है फिर अब सारे फ्रेंड्स के साथ, एक की मम्मा सबको पूरी जगह घुमाने वाली है, तो ठीक है चलते हैं। अदिशी बहुत बड़ा बैग लेके गई थी, पर अदिशी को फिर भी बहुत सारी चॉकलेट्स मिल गई। वाह अदिश्री, मजा आया? हाँ। चलो अदिशी को मजा आया, ये बहुत अच्छी बात है, खा लो। और बस लड्डू बांधना बचे और गुजिया तलना बचा हुआ है, बाकी सारा काम फिनिश हो गया, सब कुछ कर लिया हमने। ऐसा कुछ नहीं है जो बचा है, हमको जो जो बनाना था वो सब बना लिया, थोड़ा थोड़ा बनाया पर बन गया। और हर साल आई थिंक ये हमारा चौथा साल है दिवाली पे यहाँ पे, और मुझे ऐसा लगता है जब पहला साल था तो मुझे लगता था अगले साल शायद जा पाएंगे, फिर लगता था अगले साल तो चले ही जाएंगे, फिर नया घर था, पहली दिवाली थी हमारी घर में पिछले साल, और इस साल भी वही है कि शायद अगले साल हम चले जाएंगे। सो पर आपको नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, बट अब ये है कि अब दिमाग दिल सब कुछ सेटल हो चुका है, और मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली जो है वो फर्स्ट ईयर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, धीरे धीरे मैं उस तरह से भी सेटल हो गई हूँ, बट मुझे फिर ऐसा लगता है कि अगर आपके, भले ही आप दूर हैं अपने घर से, पर आपके घर वाले स्वस्थ हैं, अच्छे से दिवाली मना पा रहे हैं, खुश हैं फिजिकली मेंटली, कोई उन्हें स्ट्रेस नहीं है, वो अच्छे से सब कुछ कर पा रहे हैं, तो आई थिंक वो आपके लिए बेस्ट है, भले ही आप दूर रह के त्यौहार मना रहे हो। तो मेरा और आशीष दोनों का फिलहाल में, हमने अपने दिल को दिमाग को वैसे ही समझा रखा है कि दुख तो होता है, बुरा लगता है, थोड़ा याद भी आती है, आज मैं दिन भर से जो भी चीज़ बना रही हूँ तो मुझे दोनों मम्मियों की याद आ रही है, मैंने आज कढ़ी बनाई तो मुझे मम्मी जी की याद आ रही है, क्योंकि मुझे मम्मी जी की याद की कढ़ी बहुत पसंद है, सो मम्मी जी की याद आई। पपड़ियाँ तल रही थी तो मुझे मम्मी की याद आई थी कि मम्मी भी सुबह से उठ के फटाफट ये वाले काम ख़त्म करती थी, तो घर की याद ज़रूर आती है, लेकिन हाँ ये कि साथ में अब दिमाग थोड़ा सेटल हो गया कि अगर सब कुछ वहाँ ठीक है और आप यहाँ पे हो तो उसके लिए ग्रेटफुल रहो कि भले आप साथ में नहीं हो पर आप सभी लोग हंसी खुशी त्यौहार मना पा रहे। तो यही था, और अब मैं लड्डू बांधती हूँ, और ये मैडम यहाँ चॉकलेट एकदम निपटाना शुरू हो गई है, तो जरा इसको मैं देखती हूँ, मुझे आपको बाहर का दिखाना भी है लाइटिंग। अभी आशीष आएंगे, आशीष थोड़ा बाहर वॉक के लिए गए, दिन भर हो गया था, कुछ दूध वूध भी लेके आना था, तो मैंने सोचा कि ठीक है आप थोड़ा वॉक कराओ, क्योंकि आज उनने भी बहुत मेहनत की है मेरे साथ। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई थिंक पहला वाला पार्ट इसी के साथ मैं जोड़ दूंगी, या हो सकता है कि
इसी में हो वो या आपने वाला व्लॉग पहले ही देख लिया हो। सो हैप्पी दिवाली, और आज है दिवाली और खाना पीना जो है वो चल रहा है, और उसके अलावा हमारा सारा स्नैक्स और सब कुछ बन चुका है, और एक चीज़ जो कि डन हो चुकी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप बाहर रहते हैं, और वह है सबसे घर पर बात करना। सो क्योंकि हम 4:30 घंटे पीछे होते हैं तो हम सुबह ही सबको फ़ोन लगा लेते हैं घर पर, मम्मी पापा के अलावा भी नाना जी नानी जी को, आशीष की दादी जी उन्हें, मतलब सभी दूर, तो हमारी वो वाली सारी चीजें पूरी हो गई। मैं खाना बनाऊंगी, उसके बाद हम रंगोली बनाएंगे मैं और अधिश्री, और पूजा करेंगे और बाकी चीजें करेंगे। कल रात को मैं बाहर की लाइटिंग दिखाना भूल गई थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि ठंड बहुत थी बाहर, इवन आज भी 6 डिग्री टेम्परेचर है, कल से 2 डिग्री और कम है, लेकिन हर बार यही होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाहर अच्छी, बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है जो कि बहुत अच्छी लग रही है, तो ठीक है। और मैंने यहाँ की ना ये वाली सीरीज भी चेंज कर दी है, 1 मिनट, ये सीरीज मैंने चेंज कर दी है तो थोड़ा अलग लुक आ गया। तो ठीक है, मैं अभी बना रही हूँ छोले और पूरी, और उसके अलावा रसगुल्ले बने हुए हैं, बाकी भी बहुत सारी मिठाइयाँ सब कुछ है, तो मैं अभी बहुत सारी चीज़ें ही बना रही क्योंकि फिर ये जो सारा स्नैक्स यहाँ पे रखा है, ये जो इतनी मेहनत की वो कब खाएंगे। तो आज एकदम आराम से सब कुछ चल रहा है, जो कहते हैं एकदम सेलिब्रेशन, बट बहुत ज़्यादा मैं टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें आज नहीं कर रही हूँ, और पूजा की तैयारी भी क्योंकि करनी। तो ठीक है, दिन को शुरू करते हैं, मतलब दिन तो शुरू हो चुका है, किचन में थोड़ा सा काम करना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सो अभी देखो दिन में ये ऐसा लग रहा है, मैंने कहा था मैं रात को दिखाऊंगी बट अभी रात में ही दिखा दूंगी, बट दिन में फिलहाल ये ऐसा लग रहा है। और ये रही अधिशी मैडम, और हम इतनी ठंड में बना रहे हैं यहाँ पे रंगोली, हम रंगोली बनाने वाले। तो मेरे दिमाग में वही आ रहा था कि मतलब इतना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा, ठंड बहुत ज़्यादा है, मतलब 6 डिग्री है, लेकिन हाँ ये कि काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे, तो फिर इसलिए हमने कुछ ज़्यादा वो नहीं किया, छोटी सी बनाएंगे फिर बड़ी अंदर बना लेंगे, ठीक है ऋषि? ओके, बता मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस इतना बड़ा बनाएंगे हम। हमारी रंगोली फिनिश हो गई है। बाहर ना इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि हमने एकदम छोटी सी बस हुई चापे वापे लेके फटाफट कंप्लीट। सो मैंने ऐसे 3 यहाँ पे बना दिए, मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब अभी देख कर इतना पता नहीं चल रहा होगा पर अभी 4 बज रही है ये दोपहर की और इतनी ज़्यादा लग रही, तो मैंने सोचा कोई रिस्क नहीं लेती मैं, और मैंने ऐसे बना दिए। और एक काम करती हूँ, मैं लाइट भी चालू कर देती हूँ तो मैं आपको बता भी पाऊँगी कि घर कैसा लग रहा है। तो फिलहाल में ये ऐसा लग रहा है, यहाँ रंगोली बन गई है, यहाँ ये हो गया है, इधर ये लाइट हो गया है, और हम ये वाले लाइट को भी जला देते हैं। सो फिलहाल में ये ऐसा दिख रहा है, ये हमारी रंगोली। और अधिशी ने कोई सा वीडियो देखा था जिसमें फोक का यूज़ किया था, तो हमने भी यहाँ पे बकायदा फोक का यूज़ करके बनाई है। अब मुझे सिर्फ यहाँ भगवान जी की यहाँ तैयारी करनी है और यहाँ भी रंगोली बनानी है, देन वी विल डन। Thank you.
Thank you.